खाली फन था पहले, वो इनके आने से अब दूर हो चुका है। एक दिव्यांग के दिल की दिव्यांग की ही समझ सकता है। हमारी जिंदगी एक नॉर्मल नहीं होती आप लोगों की तरह, हमारी जिंदगी में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। मैं 3 साल का था जब मुझे पोलियो हुआ था। पहले जमीन में बैठ के चलता था, उसके बाद धीरे धीरे घर वालों ने मुझे डंडा थमा दिया। थोड़ी दूर 200 मीटर भी अगर चलते हैं तो हमें पसीने आ जाते हैं, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, फिर भी मैंने अब BCOM पास किया है। उसके बाद मैंने नारायण सेवा संस्थान से मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स किया। जब मैं लखनऊ गया कंप्यूटर का कोर्स करने, तो वहाँ मेरी मुलाकात बबीता से हुई। जब मैं 2.5 साल की थी तब मुझे ये पोलियो हुआ था, जिससे कि मुझे चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मेरे पापा ने मेरा बहुत इलाज कराया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जब मैं इंटर की पढ़ाई कर रही थी तब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे। पापा जी के बाद फिर मम्मी मेरी बीमार रहने लगी, और बीमार इतनी बीमार हुई वो कि 5 साल बाद वो भी एक्सपायर हो गई। उसके बाद मेरा कोई सहारा नहीं रहा। लखनऊ में मैं कंप्यूटर कोर्स कर रही थी तब मेरी रविंद्र जी से मुलाकात हुई। वहीं हमने मतलब हमारी बातचीत हुई। फिर हमने ये बात अपने घर वालों को बताई। जब हमने देखे तो हमने पसंद कर लिया एक बार में। मेरी आगे लाइफ बहुत अच्छी से गुजरने वाली है, क्योंकि हम दोनों के विचार बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं। मेरे पिताजी नहीं है, बबीता के माता पिता नहीं है। मेरे खुद के तो माता पिता नहीं है, इसलिए मैं आप सब में अपने माता पिता देखती हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि आप हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारी शादी में आएं।